हेलो गाइस, एक और धाकड़ वीडियो आपके सामने लेकर आ गए हम। देखिए बच्चों, ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है। इसमें जो फिलहाल अभी 2 फरवरी का एग्जाम हुआ था फिजिक्स का, उसी का ये पेपर है 2023 का। देखिए बच्चों, ये इंटर का पेपर सेट CG है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें आप जो परीक्षा दिए हैं कितना सही किए हैं, कितना गलत किए हैं, उसी पर चर्चा होगा। इसमें हम क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। देखिए बच्चों, हम इतना लेट से वीडियो अपलोड करने का मेरा एक ही कारण है कि बहुत सारे वीडियो जो है, यानी परीक्षा खत्म होने के 10 मिनट बाद अपलोड हो जा रहा है, लेकिन जब हम उस वीडियो को देखें तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब गलत, कहीं एक दो तीन चार लाइने से देखिए तो करीब 10-15-20 क्वेश्चन का जवाब गलत आ रहा है। ये सब देखते हुए हमें एक वीडियो बनाने का ज़रूरत पड़ गया, क्योंकि इस तरह के वीडियो सारे आप लोग देखेंगे तो आपको पढ़े हुए चीज़ भी भूल जाएंगे। इसलिए हम एक ऐसे वीडियो लेकर आए हैं जिसमें 100% क्वेश्चन जो है सबका जवाब सही मिलेगा। तो आपको उस सब वीडियो पर ध्यान नहीं देना है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, और इस तरह के वीडियो आपको एकदम सही वीडियो जितनी बार परीक्षा होगी उस समय आपको हम अपलोड करके हम दे देंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और उसका सही आंसर बताते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख लीजिए। देखिए वो जो क्वेश्चन तो हम पढ़ने के लिए पढ़ देंगे, लेकिन वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, वीडियो बनाना है हमें, क्योंकि आपके पास 10 ही मिनट का समय होगा, हम जानते हैं। तो हमको 10 ही मिनट में ये सारे का सारे, मतलब कि 17 क्वेश्चन का हमें जवाब देना है। तो क्वेश्चन और आंसर पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर बोलेंगे और उसका सही जवाब है उसी को बोलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर एक है, आपके सामने दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर एक का जो सही जवाब होगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत सारे वीडियो हमने देखा, उसमें कोई मारा है बी, कोई मारा है सी, कोई मारा है ए, लेकिन ये सब गलत है। आपका सही आंसर होगा जो डी नंबर होगा। डी नंबर पर आप सही लगाए हैं तो आपका क्वेश्चन का आंसर सही है, नहीं तो गलत है। अब देखिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्रिय, देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है तीन नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम कलम से भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, और इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी -Q/4 जो है राइट जवाब है। अब इसको हम निकाल कर नहीं बताएंगे कि कैसे आता है, ये निकाल कर बताएंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही है। क्वेश्चन नंबर चार का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पर आप सही टिक लगाए हैं तो ये सही है, नहीं तो गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो 0 है, इसका सही जवाब 0 होगा। ये क्वेश्चन नंबर पाँच में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि सदिश है। ये सब भौतिक राशि है, इसमें से कौन राशि जो है सदिश है। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो आप अगर डी पर सही मारे हैं तो आपका सही जवाब है, नहीं तो किसी और पर लगाए हैं तो आपका गलत जवाब है, आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर छः का जवाब हो जाएगा बी नंबर। ऑप्शन नंबर बी जो है यानी 5 है जो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सही जवाब है, बाकी जो ऑप्शन है वो गलत जवाब है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सात का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है जो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 है जो इसका सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये देखिए कोई बच्ची है जो ये ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाई है, तो ए पर टिक नहीं लगाना है आपको, ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाया है तो सही जवाब है, नहीं तो गलत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नौ का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दस का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर बी है जो गलत जवाब है, ऑप्शन नंबर सी है जो राइट जवाब है। तो आप अगर सी पर सही लगाए टिक लगाए हैं, यानी घेरा पर सी नंबर घेरा को पेंट किए हैं, तो आपका सही है, नहीं तो गलत है। अब देखिए अब 12 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए है जो सही है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है। ये 100% सही जवाब है, इसमें कोई इस वीडियो में आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं मिलेगा। अब देखिए 14 क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाकी सब गलत है। 15 क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 16 क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा
बी नंबर, देखिए ये डी पर टिक लगाए थे तो डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आ गया 19 नंबर क्वेश्चन, तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ए हो जाएगा। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए, कलांतर। ये थोड़ा धुंधला है, हम पढ़ देते हैं, कलांतर पर टिक लगाए हैं तो आपका सही जवाब है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 28 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 29 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। किए आ गया 30 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 31 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 32 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 33 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 34 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 35 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 36 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 37 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिए यहाँ 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 39 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 40 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 42 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 43 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 44 क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ये डी पर टिक लगाया गया था, डी नहीं होगा सी होगा। 45 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 46 क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 47 क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 48 क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 49 क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 50 क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 51 क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 52 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 53 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 54 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 55 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 56 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 57 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 58 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 59 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 60 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 61 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 62 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 63 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 64 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 65 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 66 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 67 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 68 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 69 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 70 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगर इस तरह से आप टिक लगाए हैं तो आपका 35 मार्क्स ये ऑप्शन वाइज क्वेश्चन से मिल सकता है। इसमें 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। आपको 70 क्वेश्चन दिया है, यानी एक अंक के लिए 2 क्वेश्चन निर्धारित किया गया है। तो आप 2 क्वेश्चन में ले कोई एक क्वेश्चन को चुनना है। तो आप इस तरह से टिक लगाए हैं, हम 70 के 70 बता दिए। तो इस आंसर की से आप मिला लीजिए कि कितना आपका सही है और कितना आपका गलती है, हमें कमेंट में इसका जवाब दीजिए।